लोकसभा चुनाव 2024 का फाइनल काउंटडाउन चल रहा है। वोटिंग में महज अब 2 घंटे का वक्त बचा है। 57 सीटों पर आखिरी चरण में वोट डाले जा रहे हैं। 2 दिन बाद फाइनल रिजल्ट आएगा, लेकिन उससे पहले इंडिया टीवी आपको साइंटिफिक एग्जिट पोल दिखाएगा और ये बताएगा कि जनता का मूड आखिर है क्या। बस आपको 1 घंटे इंतजार करना है और इसके बाद ही देश का सबसे सटीक, सबसे विश्वसनीय एग्जिट पोल आप देख पाएंगे सिर्फ और सिर्फ इंडिया टीवी पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि आखिरी चरण में अब तक कितने फीसदी वोटिंग हुई है। 57 सीटों पर अब तक करीब 50% वोटिंग हुई है। बिहार की 8 सीटों पर अब तक 43% से ज्यादा वोटिंग हुई है। यूपी की बात करें तो 13 सीटों पर अब तक 47% वोटिंग हुई है। हिमाचल प्रदेश में अब तक 59% से ज्यादा वोटिंग हुई है। झारखंड की 3 सीटों की बात करें तो अब तक 61% से ज्यादा वोटिंग हुई है। इसके अलावा अगर हम ओडिशा की बात करें तो 6 सीटों पर अब तक 50% से ज्यादा वोटिंग हुई। पंजाब की 13 सीटों पर अब तक 47% वोटिंग हुई है। बंगाल की 9 सीटों पर अब तक 59% से ज्यादा वोटिंग हुई और चंडीगढ़ में अब तक 53% से ज्यादा वोटिंग हुई है। और अब कुछ ही वक्त बचा है जिसके बाद आपको बता दें देश की सरकार चुनने की जो ये चुनावी प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी 4 जून को। इसके बाद रिजल्ट का इंतजार रहेगा, लेकिन आज से ही सबकी धड़कनें बढ़ गई हैं। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में थे, विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाए हुए थे, अब वो ध्यान भी खत्म हो गया है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में इंडी अलायंस में बैठकों का दौर चल रहा है। अहम बैठक हो रही है और आज इंडी अलायंस ने एक अहम बैठक बुलाई है।